आज हम बनाएंगे मेथी आलू की बिल्कुल नई रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आपके घर के किसी भी मेन ओकेज़न पे बना के आप इसे सर्व कीजिए, ये सबको बहुत अच्छी लगेगी। इसमें ग्रेवी की कोटिंग बहुत ही अच्छी होती है और वो क्रीमी सा टेक्सचर लेके आती है। बनाना बहुत आसान है, सिंपल स्टेप में मैंने बताया है जिससे आसानी से आप इसे फॉलो कर पाएंगे। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए एक पैन गरम किया है मैंने, ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून तेल और इसमें हम सबसे पहले आलूओं को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को पील करके डाइसेस में इस तरह से काट लिया है। पीसेस मीडियम ही रखिए और इन आलूओं को हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिए और बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। इतना फ्राई करना है कि ये पूरी तरह से डन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में चलाते हुए मैं इसे फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे लगभग 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। छोटे टुकड़ों में कटे हुए हैं तो इजीली फ्राई हो जाते हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब जो तेल बचा है उसमें ऐड करेंगे हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 1/4 छोटी चम्मच से कम हींग और दोनों को अच्छी तरह से भून लीजिए। गैस का फ्लेम लो रखिए। अब डालेंगे यहाँ पे 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज और इसके साथ ही ऐड कर दीजिए 2 हरी मिर्च रफली चॉप किया हुआ। इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। मेथी की सब्जी में मिर्ची बहुत अच्छी लगती है। अब दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे कुछ देर के लिए। प्याज का कलर जैसे ही हल्का सा चेंज होने लगे तब हम इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे जो कि बेसिक है, जो रेगुलर कुकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर डाला है मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर भी इसी स्टेज पर ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा यहाँ पर जीरा पाउडर भी ऐड कर दिया है मैंने और ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए 2 टेबल स्पून के लगभग पानी ताकि सूखे मसाले जले ना और मसाले का टेक्सचर बहुत अच्छा आए। तो यहाँ पे इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो सबको मिला लिया है मैंने, अब हमें इसे कवर कर देना है। कवर करने से बहुत अच्छी तरह से मसाले भून भी जाते हैं और तेल भी अलग हो जाता है। गैस का फ्लेम लो रखिएगा। तो यहाँ पर लगभग 5 से 6 मिनट हो गया है तो मसाले को एक बार मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी अच्छी तरह से भून चुका है लेकिन थोड़ा सा और भूनिए ताकि ड्राई हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये भून चुका है। तो इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। मेक श्योर कीजिएगा गैस का फ्लेम पूरी तरह से लो हो, नहीं तो दही फट जाएगा। अब इसे लगातार चलाते हुए मसाले में तब तक मिक्स कीजिए जब तक कि एक स्मूथ सा टेक्स्चर ना आ जाए। तो यहाँ देखिए स्मूथली ये मिल चुका है, ये देखिए मसाले का टेक्स्चर। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप बारीक कटी हुई मेथी पत्ता। तो इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मेथी को मसालों के साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में आपको मेथी की कड़वाहट बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मिला लिया है सबको, अब कवर कर देते हैं लगभग 4 से 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ताकि मेथी अपना मॉइस्चर रिलीज करे। और ये देखिए इसने कितना सारा मॉइस्चर रिलीज़ किया है। अब इसे तब तक भूनिए जब तक कि आपको ये ना लगे इसमें से मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो मेथी के भूनते ही मसालों के साथ लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे आलूओं को जिसे हमने फ्राई करके रखा था और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं में भी मसालों का फ्लेवर आ जाए। तो हमने इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। अब इस रेसिपी में ऐड करेंगे थोड़ी सी क्रीम, आप चाहें तो दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। ये इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती है, एक रिचनेस आ जाती है इसमें और टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, कभी कभी बना के ये सब्ज़ी आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है। तो यहाँ पे क्रीम डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया है, फिर से कवर कर देते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए ताकि सब कुछ असेंबल हो जाए अच्छी तरह से। और ये देखिए कितना ज़्यादा टिंग लग रहा है। तो लास्ट में इसमें ऐड कर दीजिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब गैस का फ्लेम तुरंत ही ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। लुक वाइज तो देख के आपको लग ही रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा माउथ वाटरिंग है लेकिन यकीन मानिए इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल अलग तरह की रेसिपी है, बनाने में भी ज़्यादा एफर्ट नहीं है और आपको बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट मिलेगा। तो बहुत अच्छी रेसिपी है, बना के देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।